my dear viewers, this is Rachna from Tech Shower. Welcome to the channel. And in this video, I'm going to answer some of your questions regarding my last video of X60 Pro Plus unboxing. मुझे लगा कि ये वीडियो मुझे बनाना चाहिए क्योंकि हो सकता है कि आप लोगों के अलावा भी बहुत से लोगों के क्वेश्चंस होंगे. So without any further delay, let's start the video. तो जो पहला क्वेश्चन पूछा है वो है महालक्ष्मी जी ने पूछा है, only this color is available in India. तो हाँ, अभी यही कलर अवेलेबल है जिसका नाम है एम्परर ब्लू. अभी फिलहाल दूसरा कलर कोई लॉन्च नहीं हुआ है इंडिया में, लेकिन हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपको एक ऑरेंज कलर शायद, क्योंकि कुछ कंट्रीज़ में ऑरेंज कलर भी साथ में लॉन्च किया गया, तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में. बट फॉर नाउ ओनली एम्परर ब्लू जो मैंने आपको वीडियो में शो किया था. दूसरा जो क्वेश्चन आ रहा है वो है सौरव मजूमदार जी की तरफ से, और वो पूछते हैं कि वीवो X60 Pro Plus वर्जन क्या ऑनलाइन मिलेगा या ऑफलाइन. तो आंसर है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मिलेगा, लेकिन अगर आप मेरा पर्सनल ओपिनियन पूछे तो ऑफलाइन लेना ज़्यादा बेटर है क्योंकि उसमें आपको अच्छे डील्स मिल जाते हैं. सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है श्रवण जी की तरफ से, वो पूछते हैं कि मैम बैटरी ड्रेन टेस्ट बताएं इसका. तो बैटरी के मामले में मैं कहूँगी कि बैटरी अगर आप फुल इसको यूज़ करेंगे, सारे फंक्शंस इसके मैक्सिमम यूज़ करेंगे ना, तो वन डे तो चली जाएगी. और वैसे भी आप क्यों सोच रहे हैं बैटरी के बारे में, क्योंकि आपको इतना फास्ट चार्जर 55 वॉट का मिल रहा है जो कि 10 मिनट भी आप उसको लगाएंगे 30% तो एटलीस्ट चार्ज हो ही जाएगा वो. तो बैटरी ठीक है, चलेगी. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आकिब अंसारी जी की तरफ से, जो पूछते हैं कि मेरे पास X50 Pro है, उससे कुछ ज़्यादा खास है क्या, मुझे लेना चाहिए या नहीं, या मैं X50 Pro ही रख लूँ. तो अंसारी जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि X50 सीरीज़ भी एक बहुत ही अच्छी सीरीज़ थी, और उसमें ही वीवो ने अपना जिम्बल स्टेबलाइजेशन वाली टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया था. हाँ, ऑब्वियसली ये जो आई है X60 सीरीज़, इसमें जिम्बल टेक्नोलॉजी को और ज़्यादा उसकी सेकेंड जनरेशन देखने को मिलेगी, मतलब हाथ के मूवमेंट्स और भी पॉसिबल जहाँ जिस डायरेक्शन में भी हो सकते हैं, उसके हिसाब से कैमरा अपने आप को एडजस्ट करेगा. तो यस, कि जिम्बल जो स्टेबलाइजेशन होगी आपकी वीडियोज़ में वो आपको मिलेगी. और मोर ओवर वीवो ने जो है पार्टनरशिप की है अपनी जाइस के साथ, तो उससे भी आपको लेंस के अंदर काफ़ी नई चीज़ें देखने को मिलेगी. ऑब्वियसली बेटर है उससे, लेकिन आप ये चीज़ समझ के चलना कि कम से कम आपको 15,000 to 20,000 एक्स्ट्रा देने होंगे अगर आप X50 Pro को देखे X60 Pro भी लेते हैं तो, क्योंकि एक तो पहले ही जो है कॉस्ट में डिफरेंस है, और दूसरी बात आप उसको रीसेल करेंगे तो आपके 10-15 हज़ार तो जाएंगे. तो इट डिपेंड्स ऑन यू. इफ़ यू वांट कि आप 15-20 हज़ार रुपये खर्च करके लेना चाहते हैं तो इट्स योर विश. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो पूछा है Evan06 ने, पूछते हैं कि मैम वीवो X60 Pro Plus या OnePlus 9 Pro आप कौन सा सजेस्ट करेंगे. तो सर, इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए आपको थोड़ा वेट करना होगा जब तक कि मैं उस पर वीडियो नहीं बना देती हूँ. लेकिन अगर आप अभी के लिए इसका आंसर जानना चाहते हैं तो मेरा आंसर ये है कि कुछ फील्ड्स में OnePlus 9 Pro ज़्यादा अच्छा है और कुछ फील्ड्स में वीवो ज़्यादा अच्छा है. डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आप उस हिसाब से दोनों में से कोई भी परचेज़ कर सकते हैं. दोनों ही बिल्कुल टक्कर के फ़ोन्स हैं. अगर आप डिस्प्ले और बैटरी की बात करेंगे तो OnePlus 9 Pro इज़ बेटर, लेकिन अगर आप कैमरे की बात करेंगे तो वीवो इज़ मच अहेड ऑफ OnePlus 9 Pro, दैट्स फॉर श्योर. सो अगर आप और डिटेल्ड आंसर जानना चाहते हैं, यू हैव टू वेट. दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. आई होप आई हैव गिवन आंसर्स टू ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस. फिर भी अगर आपके कोई क्वेश्चंस रह गए हैं तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं. बट एक मेरी रिक्वेस्ट है जो आपको माननी पड़ेगी, और वो ये है कि मेरी इस वीडियो को और जो इससे पहले X60 Pro Plus की अनबॉक्सिंग वाली वीडियो है उसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, ताकि मुझे बूस्ट मिल सके और अच्छा परफॉर्म करने का. तो विद दिस आई एम फिनिशिंग दिस वीडियो. आई विल बी बैक विद अनदर वीडियो. तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड. बाय.